जब जब संकट आएगा बागेश्वर बालाजी तुम्हारे पास खड़े आएंगे। लेकिन ये दरबार उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, अंधविश्वास है या भगवान कपोल कल्पना है। अरे भारत की तो छोड़ो, हम तो आगे के लगे उनकी भी ठटरी बारे आए जने हिंदी नहीं आउता। आगे के लगे अंग्रेज, अबे मैं होता कहो तो मॉरीशस होते चार पांच भी दूतावास का कहा, तब समझ जाओ तो मुझे कहूँ अंग्रेजी पर। दो तीन चार फंस गए आगे के लगे मोरे राउंड में, तो वतन के प्रधानमंत्री जी ने स्वागत करो, मैंने उनको भी छह पर्चा बना दें। हाँ उन्हें हिंदी आउत ना दियो, हमें अंग्रेजी नहीं आउता। दो ही जने आनंद में, छह पर्चा मैंने बना दिया, जो ट्रांसलेटर है तो हमने इन्होंने के सामू, जी केशव जी भी गए थे, हमने ऊपर ट्रांसलेटर पे कही इन पे पूछो सबके सामू बेइज्जती करवाऊने के अकेले में। और फिर जब हमने छह ठैया पर्चा बना दे सो धीरे से बोली इट इज वेरी पावरफुल माइंड। हमने कहा ठठरी के बरे आई एम नॉट पावरफुल लॉर्ड हनुमान, इट्स वेरी पावरफुल। फिर हमने धीरे से गई ठठरी के बरे सो तुरंत सोंग उठा देखा, हम समझ गए, हम कहीं समझ में नोइया सारे वेरी गुड कह रहा हूं। हाँ तो बागेश्वर धाम की तो ऐसी लीला है, ये गुरु कृपा है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, ये बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा है। मेरे पागलो कि जिनने कभी राम नाम नहीं जपा, जो सीता राम नहीं जानते, जो बालाजी को नहीं जानते, वे भी घर बैठे ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। यही तो कलयुग में, हमें तो लगता है आज से ठीक 320 वर्ष पहले कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए पूरे विश्व को राम नाम से जोड़ने के लिए। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, संत ब्राह्मण ये सब कपोल कल्पना है, पाखंड है, उनकी ठटरी बारबे के लाने ही बागेश्वर बालाजी प्रकट भए। तो ऐसे बागेश्वर बालाजी के दरबार में तुम सब बैठे। अब ज्यादा बातें ना कर भी, मोए बहुत देर हो गई, मैं करत रहो जल्दी, लेकिन खा करत आगे को लोग बुढ़ापो आ गो मोरो भी, तो आगे को लोग शरीर थक जात, पहले तो एन जवानी हती सो 18-20 घंटा बैठ लेते, अब आगे को लोग शरीर उसे ही थका, का कौन मशीन आए शरीर ही तो आए, अब ऐसो तो आए नहीं, चलो गुरु जी यहाँ चार्ज कर दो फिर बैठा दो, ये सिस्टम थोड़ी। तो अब जो है अर्जी लगाई, अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बनना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना। और ध्यान देना दतिया बालो, हम अंधविश्वास फैलाने नहीं आए हैं, हम राम से जोड़ने आए हैं। और हर समस्या का समाधान है कलयुग में श्री हनुमान जी। कौन है बोलो, कौन है हनुमान जी? प्रत्येक समस्या का समाधान है कलयुग में, वही बेड़ा पार करेंगे। तो माँ पीताम्बरा ने बुलाया, और हम तो सच बताएं तुम्हारे पागलपन के कारण दौड़ी चले आए, जब लो तुम्हारे कातरे हो तब लो हम जिंदगी भर आउत भी रहे भी। कौन कौन चाहता है कि हम आउत रहिए सबकी ठटरी बरवा? पक्का झूठ तो नहीं कह रहे या लबरो तो नहीं कह रहे? ठीक है तय आउत रहे भी, करें रहियो तैयारी, हम आओ का छू नहीं बिगड़ने, हमें कहा अपनो बैग उठाऊने चले आऊने, हमारे बब्बा जी को वाई फाई तो हवाई चील गाड़ी में लो मिल जा। मन में राम नाम का जप करो, बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाओ, जो राम नाम का जप करेगा उन्हीं की स्वीकार होगी, हम बुला लेंगे, जिनको बुलाएं वही आवे, और जहां समझ में नहीं आवे तुरंत टोक दें, हो सकता मास की जीवा देखो गड़बड़ा जा गड़बड़ हो जा, लेकिन हमारे तो जैसे वाई फाई में सिग्नल आए हम वैसो बोल भी, हमारे लो है वाई फाई टावर लगो होते ऊपर, हमारे वाई फाई में जैसे सिग्नल आए हम बैसो बोल भी, लेकिन ये वो दरबार है बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, विदेशी अंग्रेज इंग्लिशमैन, बड़े बड़े न्यूज चैनल शोध करवे आए, खोज करवे आए, लेकिन सबरन की ठटरी भर गई। और बेबी अंत में नतमस्तक होके बोले कछू ना कछू तो है, और वो कछु ना कछु और का है, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। विगत तीन पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरुजी भी लगाते थे, हम भी बैठे तीसरी पीढ़ी में, जो आगे को लोगों कबाड़ी आओ कहा, उसके पहले भी एक सिद्ध संत थे, बेबी दरबार लगाते, तीन पीढ़ी ऐसी
गुजर गई बालाजी के चरणन में, और हम वचन देते हैं माता पीतामरा के चरणों में कि जब तक जिएंगे तब तक सनातन धर्म के लिए मानव सेवा करते रहेंगे। हम मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे, लेकिन आप सबकी बाह पकड़कर हम बालाजी से जोड़ करके ही रहेंगे। एक बार में नहीं जोड़ोगे, हम दोबारा आएंगे, तीन बार आएंगे, चार बार आएंगे, लेकिन बार बार आएंगे। सब मन में राम नाम का जप करो। दो बातें हैं, किसी भी कार्यकर्ता के चक्कर में ना पड़ना। बागेश्वर धाम का दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, जब तक प्राण इस चोला में रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा।